बॉलीवुड के किंग सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 13 में बिजी हैं। जल्द ही इसका फिनाले होने वाला है। ऐसे में बिग बॉस 13 में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सलमान खान अपनी फिल्मों को लेकर भी बिजी हैं। वो इन दिनों राधे द मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहीं अपने आने वाली फिल्म की घोषणा भी कर रहे हैं। सलमान खान ने हाल ही में कभी ईद कभी दिवाली की घोषणा की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट कौन सी हसीना रोमांस करेगी, इस पर सभी की निगाहें थीं। लेकिन अब सलमान खान की उस हसीना का नाम सामने आ गया है जो कभी ईद कभी दिवाली में उनके साथ रोमांस करती हुई नजर आएगी, और वो हसीना है पूजा हेगड़े। सलमान खान के साथ अब रोमांस करती हुई नजर आएंगी पूजा हेगड़े। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया साइट पर इस बात का कंफर्मेशन देते हुए लिखा है कि पूजा हेगड़े सलमान खान के अपोजिट कभी ईद कभी दिवाली में नजर आएंगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फरहाद सामजी। स्टोरी और निर्माता होंगे साजिद नड़ियरवाला। यह फिल्म ईद 2021 पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर साजिद नड़ियरवाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पूजा हेगड़े के साथ हाउसफुल 4 में काम कर चुका हूँ, वो इस किरदार के लिए एकदम फिट है। तो चलिए, हमें इस बार सलमान खान के साथ एक नई एक्ट्रेस काम करती हुई नजर आएगी, और वो हैं पूजा हेगड़े। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलें।